एक सबसे मेन चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है। हाय फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज संग्राम सिंह। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो इस वीडियो को एंडिंग पार्ट तक जरूर देखना, एक भी सेकंड मिस मत करना, कहीं पर भी कोई पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि आज जिस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और जो चीज मेरे साथ हुई है, जो अपने एक्सपीरियंस में आप लोगों के साथ बांटने जा रहा हूं, हो सकता है कि इन फ्यूचर आपके साथ कोई बहुत बड़ा स्कैम होने से रुक जाए और आप बच जाए, आपके ढेर सारे पैसे, आपका बैंक अकाउंट, ये सारी चीजें बच जाए। तो इस वीडियो को एंडिंग पार्ट तक तो जरूर देखना। आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल से अंदाजा तो लगा लिया होगा कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम होने से रह गया, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, जो मेरे बैंक अकाउंट्स है क्या वो हैक हुए नहीं हुए। लेकिन उसके पहले भी मैं आप लोगों को एक बैकग्राउंड स्टोरी बताना चाहता हूं कि ये सारी चीजें होने के पहले क्या हुआ, कि आप लोगों को एक बेटर एक्सप्लेनेशन मिले। इस कहानी की शुरुआत होती है थर्सडे को। थर्सडे को मेरी जॉब पे शिफ्ट थी इवनिंग 8 से लेकर मॉर्निंग 5 तक, और हम लोगों को बताया गया फ्राइडे को तुम लोगों की शिफ्ट होगी इवनिंग 6 से लेकर मॉर्निंग 3 तक, यानी नाइट अप जो भी पकड़ लो। तो हमारे पास 2 घंटे सोने को कम थे, तो मैं आया घर पे और मैं सोया, और जो सोया मैं डायरेक्टली 4:30 इवनिंग में उठा और फटाफट मेरा मोबाइल नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, और डायरेक्टली जॉब पे भागा। और फिर सैटरडे मॉर्निंग जब मैं आया घर पे, फिर मैं उठा 1-2 बजे, मेरे मोबाइल में 99 मैसेजेस थे, 99। और जब मैंने मैसेज ओपन करके देखा, तब मेरे नज़र में आया पूरा स्कैम। किसी ने बहुत 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 बुरी तरह मेरे अकाउंट, मेरा बैंक अकाउंट हैक करने की कोशिश की। लेकिन कैसे हुआ ये, कैसे की कोशिश, आओ आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो ये रहा मेरा मोबाइल Vivo V11। अगर आप इसके इनबॉक्स में देखोगे मैसेजेस में, तो 46 से पहले 99 थे। सबसे पहले गाना, यहाँ से OTP आई है Gaana.com से OTP, उसके बाद रेड बस का OTP, उसके बाद Flipkart के OTP, एक नहीं है, बहुत सारे OTPs है, खतरनाक कोशिश की गई है। उसके बाद नेटमेड, ये किसी लाइफ इंश्योरेंस का कुछ लग रहा है, दोबारा रेड बस, ओयो रूम का भी OTP, ओयो रूम, फ्लिपकार्ट, मेड लाइफ, लेंसकार्ट का भी OTP। मतलब किसी ने बहुत बुरी तरह मेरे बैंक अकाउंट हैक करने की कोशिश की है और मेरे बैंक अकाउंट से सारी चीज़ें, मतलब एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, धड़ाधड़ कोशिश की गई है। अब ये सारी चीज़ें कैसी भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ओके। कुछ इस तरह बहुत ही खतरनाक तरीके से और मल्टीपल टाइम्स मेरा बैंक अकाउंट हैक करने की कोशिश की गई, ओयो रूम, फ्लिपकार्ट, रेड बस, लेंसकार्ट, और भी एक दो चीज़ें थी, Gaana.com, पता नहीं क्या क्या ट्राई किया गया और ना जाने कितनी बार ट्राई किया गया। अभी उन्होंने कैसे किया मुझे तो कोई आइडिया नहीं, हो सकता उन्हें मेरा ईमेल आईडी वो कहीं पर से मिल गया हो, मेरा नंबर वगैरह ये कहीं से मिल गया हो। अब आता है मेन मुद्दा, क्या ये चीज कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है? हाँ, हो सकती है। आजकल के टाइम में जो सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं हमारे, हम वहाँ पर हमारा ईमेल आईडी डाल देते हैं, कभी कभी घर का एड्रेस भी डाल देते हैं, नंबर डाल देते हैं, सारी चीज़ें डाल देते हैं। और जो हमारा मोबाइल होता है, आजकल सब ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग हो गई है, जीमेल, फोनपे और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई है, तो हम वही सारी ईमेल आईडी डालते हैं सोशल मीडिया पे जिनसे हम ये सारी चीजें एक्सेस करते हैं फोन पे वगैरह, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। मैंने ये सारी चीजें बदल दी, यूट्यूब अकाउंट है उसे पूरी तरह सिक्योर कर दिया, 2-step verification, बहुत सारे वीडियोस देखे और बहुत सारी चीजें की। जैसे मैंने देखा कि हाँ मेरे मोबाइल में ये सारी चीजें हुई, सबसे पहला काम जो मैंने किया, मेरे सारे अकाउंट ओपन किए बैंक के और सब पे देखे कि कहीं पर 1 रुपया भी कम है क्या, और मुझे बराबर से याद रहता है कितना किसमें क्या बैलेंस है, तो कहीं पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। थैंक गॉड ये नोटिफिकेशन वगैरह आता है, OTP वगैरह आता है, इसके कारण बच गया मैं। कि आपका जो भी सोशल मीडिया अकाउंट होगा, इंस्टा, FB या कहीं पर भी आपका वो जीमेल आईडी, वो सारी चीजें ना डालें जो आपके बैंक से लिंक है, क्योंकि ये बहुत खतरे की चीज है। एक सबसे मेन चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है। अब जो सबसे जरूरी चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि आपका जो गूगल क्रोम है, आपका यूट्यूब चैनल हो गया समझ लो, इंस्टा, FB, Amazon, Flipkart, कहीं पर भी कोई भी वेबसाइट है, कोई भी सोशल मीडिया हैंडल है, FB, कहीं पर भी आपका पासवर्ड सेव ना रखें। जब भी आप लॉगिन करें मैनुअली डालें, क्योंकि अगर आप सेव रखते हो, अगर किसी ने आपका अकाउंट हैक कर लिया तो उसको बहुत आसान हो जाता है। और आपका पासवर्ड एकदम स्ट्रांग रखें। मैंने तो अपना YouTube चैनल का पासवर्ड और हर जगह का पासवर्ड एकदम स्ट्रांग कर दिया, और मैं कोशिश करूंगा कि हर महीने या 2-3 हफ्ते में बार बार बदलूं। आप लोग भी ये सारी चीजें करें, आपका पासवर्ड 2-3 हफ्ते में बार बार बदले और कुछ स्ट्रांग रखें। मैंने तो अपना पासवर्ड एकदम बड़ा, एकदम कड़क, एकदम स्ट्रांग रख दिया है, तो अब बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में भैया। लेकिन आपका जो पासवर्ड है उसे सेव ना रखें, उसे मैनुअली डालें, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
बस यही चीज थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। मैं चाहता था कि जो चीज मेरे साथ होते होते रह गई वो आप लोगों के साथ ना हो, क्योंकि हम बहुत मेहनत से बहुत लगन के साथ पैसे कमाते हैं और ऐसे फ्रॉड करने वाले आते हैं, झटके में एक दो बटन दबाते हैं और हमारे मेहनत से कमाया हुआ पैसा, रात दिन से इकट्ठा किया हुआ पैसा लेकर भाग जाते हैं। और ये हमारी प्यारी सी भतीजी शीतू महाराज, ये वीडियो आप लोगों के दोस्तों के साथ, आपकी फैमिली के साथ, सभी के साथ शेयर करें, सबके पास ये मैसेज पहुंचने दे। सो बाय बाय, टेक केयर। मेरा हाथ दिख रहा है, ये हमारी एक और भतीजी आ गई है खुशी महाराज। बाय बाय, टेक केयर। एक बात हमेशा याद रखने का, टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन लाइफ जीने का। बाय बाय, बोलो बाय बाय।